तो सत्यम जो है गाइस, तो यहाँ पर डी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पर सत्यम जो है वो मोमोज मांग रहा है। क्यों भाई, मोमोज फिर से खाना स्टार्ट कर दिया तूने? मैं नहीं लेके आऊँगा, तो मैं मोमोज नहीं लेके आऊँगा भाई, क्योंकि ये मोमोज फिर से खाना स्टार्ट किया। गर्मी का मौसम है, नुकसान भी हो सकते हैं। क्यों नहीं, मैं नहीं लेके आऊँगा, तो गाइस चलो लाना पड़ेगा, इसके लिए रोल आए तो ज़्यादा नहीं, थोड़े से मोमो लेकर के आते हैं, तो चलते हैं बाजार। हम आए हैं रात में गोलगप्पे खाने के लिए, और यहाँ पर देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से हम नहीं खा पा रहे। टाइम काफ़ी लग रहा है गोलगप्पे खाने, भीड़ काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से है, तो थोड़ा टाइम भी और लग सकता है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो फाइनली काफी देर के बाद हमारा नंबर आ चुका है, उसके दोनों में देखो बिट्टू की। अरे अरे भाई, डॉग आ गया तुम्हें तो भाई, बड़ा फोन वाला डॉग। तो भाई नंबर सत्यम के जो है मोमोज नहीं मिले बाजार में, मैंने काफी ट्राई किया दुकान में, कोई दिक्कत नहीं, चल मोमोज कल लेके आऊंगा, ठीक है? तो छोटा वाला ला सर, आ देख कल ले, खाली पैसी भी ले सर, कल ले आऊंगा। बोले क्या, मैगी मैगी खा ले, मैगी नहीं देख जी। तो सत्यम के यहाँ पर मैगी आ चुकी है, मोमोज तो लेके नहीं आया मैं, क्योंकि रात हो। तो खाने में है काशी पर, साथ में है पानी की रोटी और रायता भी है। क्या खाएगा एफू अब? काशी पर रायता, पानी की रोटी, क्या खाएगा बता? हाँ सत्यम, सत्यम तो चाउमीन मांग रहा रात में 10 बजे। तो गाइस देख सकते हैं कितना नन्ना सा यहाँ पर मुझे मेरा फैन मिल चुका है, और मस्त तरीके से यहाँ पर हंस रहा है, मेरी वीडियो देखता है, देखता है वीडियो, हाँ तो वीडियो देखता है, ऐसे ही देखा कर हैं मस्त तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं सत्यम सुबह सुबह गाड़ी निकाल के आ चुका है, अरे गाड़ी बैठा है गाड़ी में, अरे हवा लग रही है, धीरे धीरे भाग, धीरे धीरे जोड़ के नहीं, सत्यम तो कितनी देर भाग रहा है, क्या कर रहा है, फोन लगा रहा है। क्यों रो रहा है, पानी पिएगा, निकाले भाई, निकाले, रो रहा है, लगा दे आया। अरे ना देखो, सत्यम सुबह सुबह साइकिल ली और फिर से उठा, धीरे धीरे चलाकर, हाँ आराम से, होले होले, बार बार भाग जाता है, देखो भाग गया भाग गया भाग गया, लौट गया। तो यहाँ पर सुबह सुबह खाते हैं नाश्ते में, नाश्ते में है पास्ता, यहाँ पर मैक्रोनी भी है सत्यम, तो सत्यम को यहाँ पर गर्मी लग रही है काफी तेज, तो अब यहाँ पास्ता मैक्रोनी खा रहा है, खा के देख कैसा, बता मुझे टेस्ट, बता इसका, देख खा के देख, खा के देख, आ खा लिया। तो सत्यम ने यहाँ पर छोटे वाले बाबू को उठा लिया है और इसके ऊपर रख रहा है, सत्यम माने मैं तेरी पिटाई कर दूंगा, इसके ऊपर रखेगा तो लग जाएगी माने में, चिर जाएगा। यहाँ पर बाल को काट देते हैं, उसके बाद फिर इसको कूटेंगे मशीन में, मस्त रहिए। तो गाइस जो हमने पहले घड़ी मंगाई हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जो घड़ी है ख़राब निकल के आ गई थी, ये खोलनी नहीं थी ना, तो कनेक्ट हो रही थी। अब इस घड़ी को हम वापस करेंगे, रिटर्न करना है, और हमने दूसरी जो घड़ी है रिप्लेसमेंट यहाँ पर कर दी है, ये वाली घड़ी हमने मंगाई थी, अब इसको वापस कर देते हैं। तो सत्यम सो रहा था करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया उसको, अब आया है, बोला पापा मुझे पढ़ा दो, चल हिसाब से पढ़े, ये चिल बिलो मत कर, ढंग से कर, पेंसिल आराम से पकड़, और ये बी भी करो अच्छी तरीके, अच्छी तरीका कर, पढ़ाई कर दूंगा मैं तुम्हारी, हाँ तो पुलिस तभी तो बनाए, पुलिस तभी तो बनाए, पढ़ाई तभी तो, मैं बनूंगा यूट्यूब पर वीडियो डाल करेंगे, हर के यूट्यूबर बनेंगे हम जी, हर के तुमको देखेंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, ठीक है, चलो पढ़ाई कर लियो चलो। तो छोटा वाला बाबू भी आ गया, सो उसको भी पढ़ा रहा है, सत्यम सत्यम इसको भी पढ़ाओ, दोनों लोग पढ़ो आराम से, इसको भी पढ़ाओ, डी हाँ तुम्हारे फादे पढ़ेगा, लल्ला पढ़ाओ, हाँ पढ़ा तुम, पढ़ा पढ़ाओ इसको, पढ़ाओ, ये भी पढ़ने आया है, हाँ पढ़ाओ, फिसमानी मछली, आई माने आइसक्रीम, पढ़ा इसको, धक्का नहीं मारते, नहीं धक्का नहीं मारे, आराम से पढ़ा, नेक्स्ट में काट मारे, पता लड़ाई आ रही है, पढ़ रहे हैं दोनों, वो कह रहा मैं पढ़ूंगा, ये कह रहा मैं पढ़ूंगा, अब तो दूध पी ले, चल इसकी मम्मी दूध लेके आ गई। तो सत्यम जो है गाइस
पाँच से छः बार नहाता है कम से कम पूरे दिन में। जैसे ही उसको गर्मी लगती है पूरे दिन खेलता कूदता है, फिर आके तुरंत ही टब में घुस जाता है और फिर नहाता है मस्त तरीके से। अब इसके लिए टब बड़ा लाना पड़ेगा तब मस्त तरीके से नहाएगा। सत्यम अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? टब लेके आएंगे, नया टब लेके आएंगे, ठीक है। सत्यम स्टंट कर रहा है, देखो साइकिल ऊपर को उठा रहा है और छोटा भरा बाबू देख रहा है। इसको भी उठा ले, इसको भी साथ में उठा ले, पटा निकालो आराम से, मशीन कराएंगे, खेचो धीरे 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 धीरे, बस चढ़ा दो पटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, सत्यम जो है इंजन को स्टार्ट कर रहा है। अब बारी आएगी, हमने नहर को कूट दिया है अपने पशुओं के लिए, अब साथ में खाने के लिए यहाँ पर आटा को पीस रहे हैं। सबसे पहले पटा चढ़ाते हैं, सत्यम पहले पटा चढ़ा लेते हैं उसके बाद पीसेंगे, ठीक है। तो जल्दी से पटा चढ़ाते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, अभी 4:30 बज रहे हैं दोपहर के। यहाँ पर जो है आटा हमने पीस दिया है, सत्यम ने यहाँ पर इंजन बंद कर दिया, बंद कर दबाओ दबा। तो इंजन फाइनली यहाँ पर बंद हो चुका है और जो आटा था वो हमने यहाँ पर पीस दिया है। ये किसने लगाया मुँह पर? ये किसने लगाया मुँह पर? मैंने। रंग क्यों लगाया? तो गाइस करीब 1.5 घंटा हो चुका है पिसाई करते करते, सब रहा यहाँ पर आटा मिल गया हूँ, साथ में यहाँ पर गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है। तो फाइनली हमने आटा जो है अपना यहाँ पर पीस दिया है कम्प्लीटली। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे प्यार सपोर्ट करें। आ गया मोफा जी के पास, साथ में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं खेत में, बोले कि जल्दी से आ जा, मैं जल्दी तो आ गया। यहाँ पर देख सकते रजित बैठा हुआ है, गंजा टकला फिर से मिल गया। कौन सी है वो डांसिंग लेडी? डांसिंग लेडी वाली वीडियो देखी? गाइस मैंने डांसिंग लेडी वाली एक वीडियो डाली थी चैनल पर, तो रजित बोल रहा था कि डांसिंग लेडी आ गई है, इनको बहुत डर लगता है चश्मा लगा के। डांसिंग लेडी देखेगा ना? सच में यहाँ पर देख सकते हैं रजित और रजित के पापा इस खेत के अंदर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पौध लेकर के आए हैं धान की। इस पौध को यहाँ पर बोएंगे और इसके बाद यहाँ पर पानी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर के अंदर पानी आने वाला है। जब पानी आ जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो पानी ना आने पर बाबा जी ये सड़ जाएगी है। ऐसा ही है ना, बेकार रही हाँ, फिर बेकार हो जाएगी। अगर इसके अंदर पानी नहीं लगा तो ये बेकार हो जाएगी। सामने भी यहाँ पर देख सकते हैं पौध खड़ी हुई छोटी छोटी, तो ये धस रहा है लगा रहा है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं मस्त तरीके से जुगाड़ बनाई हुई है पट्टी के अंदर, जिससे कि मट्टी ये प्लेन हो जाएगी और आसानी से जो प्लेन होने के बाद जो है इसके अंदर पौध बबी जाएगी। पौध बबने के बाद ये आसानी से पानी लग जाएगा, पानी लगने के बाद ये आराम से जम जाएगी। चलो 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 धीरे धीरे घुमा, अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही कर ये मट्टी प्लेन हो जाएगी आराम से। हाँ अब तो सही है। तो गाइस हम आ चुके हैं मौसी घर पे, यहाँ पर देख सकते हैं मुट्ठा भुजे जा रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं खाने में क्योंकि ये मीठी है। कैसे लग रहे हैं? स्वाद आ रहा बहुत। तो यहाँ पर मौसा मौसी जी कह रहे हैं स्वाद आ रहा, खा स्वाद बहुत आ रहा है क्योंकि वो भूज रही है, ये खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, टेस्टी है क्योंकि ये ताजी है तुरंत ही, क्योंकि अगर ये सूख जाएगी तो इसमें स्वाद नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम हरी है, मिठास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अम्मा जो है इनके खाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि इनके दांत नहीं है, इसमें ओखली में डालेंगी और ओखली में डालने के बाद इनको मसल के ही खाएंगी। क्या आपने देखा है कहीं? अगर आपने देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खाती है अम्मा? हाँ, क्यों बच्चों? हाँ। तुम ही खाओगे ऐसे? अम्मा पे सीख लो। तो अम्मा ने यहाँ पर मुठिया को निकाल लिया है, भुट्टे को, कुछ जगह भुट्टे भी कहते हैं, मुठिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर अम्मा है, उन्होंने दानों को डाल दिया इसके अंदर और कूट रही है ओखली में, जो छोटे वाली ओखली होती है जो चाय वगैरह घर पे बनाते हैं, अदरक वगैरह कूटते हैं। अम्मा अरे तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।